क्या ही परफॉर्म करा है इंडियन फुटबॉल टीम ने इस मस्ट विन गेम में। मालदीव्स को 3-1 से हराकर इंडिया पहुंच गया है सेफ चैंपियनशिप 2021 के फाइनल में। हेलो गाइस, आई एम योर होस्ट ऋषभ एके फुटबॉल गीक। तो जैसे कि आपने देखा, इंडिया पहुंच गया है सेफ चैंपियनशिप के फाइनल में। बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस यहां पर इंडियन फुटबॉल टीम की मालदीव्स के अगेंस्ट। मगर इस वीडियो में अपने ओपिनियन से पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा सियाम हंगल का ओपिनियन, जो कि फॉर्मर टीममेट है सुनील छेत्री के, और छेत्री ने दो शानदार गोल मारे हैं कल। तो पहले सियाम भाई का ओपिनियन देख लेते हैं, फिर आते हैं मेरे ओपिनियन पर। सो आई हैव द फॉर्मर टीममेट ऑफ सुनील छेत्री, सियाम हंगल। ही प्लेड विद सुनील छेत्री एट बेंगलुरु एफसी। सो सियाम, हाउ डू यू थिंक वाज द परफॉर्मेंस ऑफ इंडियन टीम एंड सुनील छेत्री यस्टरडे? I think overall yesterday performance was the best performance in the whole tournament. I think every players give their best, working hard, working as a unit, working as a team, and they played really well, and they deserve the win first of all. And I think Sunil Chhetri's performance was very good, and he motivated the team. He was the leader and he scored 2 goals, and it was an amazing goal. Both the goals were good. And I think they deserve the win. Do you think India can defeat Nepal in the finals now? For me, I think if they perform the way they performed yesterday night, I think definitely they will win and they'll have a positive result. And if they work how they worked yesterday, working together, playing together, and I think it will be a positive result. Thank you so much, Yap. तो जैसे कि आपने देखा सियाम भाई का ओपिनियन, ही वॉज हैप्पी एंड ही वॉज प्राउड ऑफ द टीम। जिस तरीके से इंडियन फुटबॉल टीम ने कल परफॉर्म किया है, ये परफॉर्मेंस देखने को हम तरस गए थे अभी तक सेफ चैंपियनशिप में। अभी तक हम लोग ने ये हंगर नहीं दिखाया था, ये करेज नहीं दिखाया था, ये मेंटेलिटी नहीं दिखाई थी जीतने की। मगर आज वो मेंटेलिटी, करेज, हंगर देखने को मिला, एंड जिस तरीके से परफॉर्म किया, आई एम प्राउड ऑफ ब्लू टाइगर्स। मुझे उम्मीद नहीं थी हम लोग इस तरीके से जीतेंगे, क्योंकि स्टेडियम भरा हुआ था मालदीवियन फ्रेंड्स से। इट वॉज लुकिंग लाइक अ रेड ब्लड सी, और उसमें हम लोग ब्लू टाइगर्स टॉप पर फिनिश करे 3-1 के स्कोरलाइन से। मालदीव्स अटैक कर रहा था बाकी टीम्स की तरह, डिफेंड उन्होंने उतना नहीं करा, क्योंकि बाकी टीम्स हम लोगों ने अभी तक देखा पूरी बॉल बना लेती हैं डिफेंस में, मगर मालदीव्स अटैक के लिए गया, और उसके कारण मालदीव्स के डिफेंस में पॉकेट ऑफ स्पेसेस बने, जिसमें मानवीर सिंह बहुत अच्छे से ऑपरेट करते हैं, और ब्रेंडन ने बहुत ही शानदार थ्रू पास खिलाया। और ये दिखाता है कि आप ब्रेंडन जैसे प्लेयर को टीम से नहीं निकाल सकते हो, आप उनको बेंच नहीं कर सकते हो, आपको उनको स्टार्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो आपके सबसे क्रिएटिव मिडफील्डर हैं। और मानवीर का शानदार फिनिश, और उसके बाद सुनील छेत्री ने तो मजा ही बांध दिया भाई, 2 गोल, और जो थर्ड गोल था, क्या ही शानदार हेडर प्रीतम कोटल के वहां पर फ्री किक से, और वो हेडर भाई जिंदगी भर याद रहेगा, क्योंकि डी के लास्ट से वहां से लाइन से उन्होंने वो हेडर मारा और गोलकीपर को बीट किया। बड़ा ही शानदार गोल सुनील छेत्री का, एंड नाउ ही हैज क्रॉस्ड पहले इन दी टॉप हाईएस्ट गोल स्कोरर। नाउ सुनील छेत्री इज 6th हाईएस्ट जॉइंट गोल स्कोरर इन इंटरनेशनल फुटबॉल। बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस यहां पर इंडियन फुटबॉल टीम की। मैं भाई बहुत खुश हूं आज, बहुत खुश हूं, आज खुशी का मौका मिला है, और साथ ही साथ सुनील छेत्री के साथ जो परफॉर्मेंस रही है आज अच्छी, वो रही है अपुइया की। क्या ही परफॉर्म किया है, और उसी के कारण सुनील छेत्री ने अपना मैन ऑफ द मैच दे दिया अपुइया को। 16 इंटरसेप्शंस, 48 पासेस, 1 key pass। जो सेकंड गोल आया वो अपुइया के कारण ही आया, उन्होंने बॉल डाली थी इनसाइड द बॉक्स, और मानवीर ने फिर सेकंड बॉल क्रिएट करी सुनील छेत्री के लिए। तो अपुइया की परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार, अभी तक ये अपुइया की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी देखने को नहीं मिली थी, मगर ये दिखाता है दैट द फ्यूचर ऑफ इंडियन फुटबॉल इज ब्राइट। और बहुत ही ज़्यादा अच्छा मैच, और आइगोर स्टी मैच की भी तारीफ करना चाहूँगा कि आज थोड़े अच्छे टैक्टिक्स करे, चेंजेस सही करे, और बहुत ही अच्छी मेंटेलिटी से यहाँ टीम जीती है और खेली है। फर्स्ट मिनट से ही हम लोग यहाँ पर जीत के लिए गए। एक चीज़ थोड़ी ख़राब थी, वो थी हमारा डिफेंस। हम लोग स्टार्टिंग के 20-30 मिनट में ही 3 येलो कार्ड मिल चुके थे हमारे 3 डिफेंडर्स को,
तो ये इस पर हमको ध्यान देना पड़ेगा, हम लोग नेपाल के अगेंस्ट ऐसा नहीं कर सकते हैं। और अगर हम फोर मैन डिफेंस खेल रहे हैं तो मैं चाहूंगा कि चिंगलेन सना स्टार्ट करें, क्योंकि अगर वो स्टार्ट करते हैं तो डिफेंस आपका और सॉलिड हो जाता है। और अगर आप फोर मैन डिफेंस खिला रहे हो तो चिंगलेन सना को एज अ सेंटर बैक खिलाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी हमारे पास संदेश झींगन नहीं है यहाँ पर, तो चिंगलेन सना को फाइनल में जरूर स्टार्ट करना चाहिए। इंडिया नेपाल के अगेंस्ट खेलेगा 16th of October को, एंड इस बार हमको सेफ चैंपियनशिप जीतना है। हम लोग ने रिडेम्पशन तो ले लिया है मालदीव्स के अगेंस्ट, जिन्होंने हमको 2018 के फाइनल में हराया था सेफ चैंपियनशिप के 2-1 से, मगर इस बार हम लोग ने उनको हरा कर मस्ट विन गेम में हम लोग पहुंच गए फाइनल में। और अच्छी परफॉर्मेंस थी यहाँ पर, ऐसी परफॉर्मेंस हमको देनी पड़ेगी अगर हमको दिखाना है हम डोमिनेटिंग, इंडियन फुटबॉल डोमिनेट कर रहा है, इंडियन फुटबॉल आगे बढ़ रहा है, तो लोअर रैंक टीम है जो इंडिया से, उनके अगेंस्ट हमको ऐसी ही परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी, और तभी इंडियन फुटबॉल आगे बढ़ेगा। और ये जो जीत का हंगर है ये हमको कंटिन्यू रखना पड़ेगा, और इसी तरीके से इंडियन फुटबॉल आगे बढ़ेगी। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया है, अगर पसंद आया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा फुटबॉल गीक के प्लेटफॉर्म को। 968 सब्सक्राइबर्स तक पहुंच गया हूँ, 1K सब्सक्राइबर्स कर दीजिए इस वीडियो से, और इसी तरीके से आपको इस प्लेटफॉर्म पर इंडियन फुटबॉलर्स के ओपिनियन और इंडियन फुटबॉल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैं देता रहूंगा। तो मैं जल्दी वापस आऊंगा अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक घर पर रहिए और फुटबॉल गीक देखते रहिए।